जूही राहुल, मैंने डॉक्टर शशांक को डिसअपॉइंट किया है। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती, सारी गलती मेरी है। स्टॉप इट जूही, तुम भगवान नहीं हो। गलती सबसे होती है, और फिर तुम पिछले 48 घंटे से सोई भी नहीं हो। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। राहुल, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तुमसे गलती हुई है ना, तुमने जानबूझ के तो नहीं किया। लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा जूही। चलो उठो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हम उस सारी रिपोर्ट्स दोबारा क्रिएट कर लेंगे। राहुल, हमारे पास सिर्फ एक घंटा है। अगर एक घंटे में हमको अंजलि का रिएक्शन का पता नहीं चला तो अंजलि की जान जा सकती है। गलती भी इंसान से ही होती है जूही, और उसका सुधार भी इंसान ही करता है। डोंट गिव अप, एक घंटा है ना हमारे पास। कम ऑन जूही, हम कर सकते हैं। मैं हूं ना, चलो। और रात को 9 बजे हमने इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए थे। दूसरे दिन हमने सेडेटिव दी थी और सलाइन की बॉटल, एक एंटीबायोटिक सुबह और एक शाम। क्या हो रहा है? राहुल मेरी मदद कर रहा है। कब से बेचारा भाग दौड़ कर रहा है। वैसे काम तो हो ही चुका है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। पर इफ यू नॉट बिजी। नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। बताओ ना क्या करना है। Everything is done. Thank God. Thank God. जूही, ये एक्सीडेंट की पहले की एक्सरे, ये एक्सीडेंट के बाद की एक्सरे, ईसीजी रिपोर्ट्स हैं, इन्हें फाइल कर लेना। आई थिंक इसे काम बन जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर शाह को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 10 मिनट रह गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है शशांक, कौन से मेडिसिन से रिएक्शन हुआ होगा। शशांक, इट्स फॉलिंग 78। आई थिंक सारे फ्लूइड्स निकाल देने चाहिए। वी शुड स्टॉप द ड्रिप। ओह गॉड। नहीं शशांक, ये कैसे पॉसिबल है? सर, अंजलि की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। सर, मैंने 60% रिक्रिएट कर ली है। थैंक गॉड। अब पता चलेगा कौन सी दवाई का रिएक्शन है। ये मैं सुबह दिया था, 12 घंटे बाद दिया। आई डोंट थिंक इसका रिएक्शन 12 घंटे तक रहेगा। राहुल, अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले कभी नहीं कर पाती। क्या हुआ जूही? सिमरन, हमने कर दिखाया। राहुल और मैंने मिलकर फाइल फिर से क्रिएट कर लिया, और ये सब राहुल के वजह से हुआ है। मैं तो पहले ही हिम्मत हार गई थी। अगर राहुल मेरा साथ नहीं देता तो मैं अकेले कभी नहीं कर पाती। लेकिन जूही, रिपोर्ट्स को जाने से काफी वक्त बर्बाद हो गया है। I just hope अंजलि बच जाए। सिमरन ने कहने की क्या जरूरत थी? वो पहले से बहुत परेशान है ना। राहुल, मैं तो बस जूही के लिए परेशान थी।
अगर अंजलि को कुछ हो गया तो जूही के करियर पे कितना बुरा असर पड़ेगा, है ना? भगवान प्लीज अंजलि को बचा लो। डॉक्टर जी, अंजलि को होश आ गया। थैंक गॉड। मैम, आई एम सॉरी। क्यों? सुबह के लिए मैं जानती थी आप बिजी है, लेकिन डॉक्टर सिमरन ने कहा आप ही को बुला के लाइए। कोई बात नहीं, लेकिन वो कहाँ थी? रिकॉर्ड रूम के पास। शशांक कहाँ है? वो तो अभी बाहर है। कोई बात नहीं, लेकिन वो कहाँ थी? रिकॉर्ड रूम के पास। शायद इस बार भगवान को लगा कि मैं इतना नहीं सह पाऊंगी। थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है स्मृति? मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस लौटा दी। जितनी देर लगेगी यहाँ से बस उतना ही, और क्या? बस एक मिनट में मम्मा। डॉक्टर, डॉक्टर आपके पेपर्स। डॉक्टर, क्या हुआ राधा? मैडम, डॉक्टर सिमरन के फाइल में से पेपर गिर गए। लाओ मैं उसको दे देती हूँ। बाय सिमरन। सिमरन, यस जूही, ये क्या है? क्या? अंजलि की मैनुअल रिपोर्ट्स। सो सिमरन, क्या तुम जानती हो इससे अंजलि की जान भी जा सकती थी? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। और तुम उसी राहुल की नजरों में गिर जाओगी जब उसे सच्चाई का पता चलेगा। साबित करो, साबित करो ना जूही। जिस तरह से मैं दुनिया के सामने कभी नहीं साबित कर पाऊंगी कि कल रात तुम्हारे और राहुल के बीच क्या हुआ, उसी तरह से तुम भी ये साबित नहीं कर पाओगी कि मैंने अंजलि की रिपोर्ट्स डिलीट की है। ओके। और मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी। और मैं तुम्हें एक अच्छी
अच्छी दोस्त समझती थी, लेकिन तुम छोटे शहर के लड़की मेरी दोस्त बनके मेरे ही मंगेतर को मुझसे छीनना चाहती हो। राहुल तुम्हारा मंगेतर अभी तक बना नहीं, और वैसे भी सिमरन तुम्ही ने कहा था ना कि हाई सोसाइटी के लड़के ऐसे ही होते हैं, तो अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा? क्यों जो शट अप ओके। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन सब हरकतों से राहुल तुम्हारा हो जाएगा? राहुल मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये तो ऊपर वाला ही जानता है ना राहुल किसका है, मेरा या तुम्हारा? मेरा। राहुल सिर्फ मेरा है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जान लो। बचपन से राहुल मेरा था और मेरा ही रहेगा। तुम राहुल को जानती ही कितना हो? वक्त सब कुछ साबित नहीं करता सिमरन, क्या तुम ये नहीं जानती? जब दो अनजान लोग मिलते हैं और शादी के साथ फेरे, उनके रिश्ते को दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता बना देते हैं एक ही रात में। जूही, तुम मुझे जानती नहीं और सिमरन तुम मुझे नहीं जानती। मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं राहुल को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। राहुल के लिए मैं किसी की जान तक ले सकती हूँ, और मैं राहुल के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जूही, एक बात बताऊं, मेरे एक इशारे पे तुम्हें इस हॉस्पिटल से धक्के मार के बाहर कर दिया जाएगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? प्यार और जंग में सब जायज है ना जूही? लेकिन सिमरन, प्यार में जंग की तरह जान ले नहीं जाती, दी जाती है। और शायद तुम ठीक कहती, मैंने राहुल के साथ बचपन नहीं गुजारा, और शायद मैं उसकी क्लास की भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ईश्वर जानता है मैं राहुल से कितना प्यार करती हूँ। और आज के बाद मुझे तुम्हारी बातें सुनकर ये मानने की कोई ज़रूरत नहीं कि राहुल तुम्हारा है, लेकिन तुम अगर इसे जंग समझती हो तो देखेंगे जीत किसकी होती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।